आज के लेक्चर में हम अपने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का फर्स्ट यूनिट जो कि हमारा ऑटोमेशन के बारे में बताता है, उसके नीड्स, रिक्वायरमेंट्स और उनके बारे में पूरा एक ब्रीफ है। तो आज का मेरा जो लेक्चर रहेगा वो फर्स्ट यूनिट के बेसिक पे रहेगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिया था कि हमारा पूरा सिलेबस कैसा है और उस सिलेबस के दौरान हम हमारी जर्नी कैसी रहेगी, हम कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप अपने पार्ट पर आगे बढ़ते चलेंगे, हमने लास्ट क्लास में वो डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा फर्स्ट सेशन कहलाएगा कि पहला लेक्चर हो गया इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का। तो उम्मीद है कि आपको मेरा पिछला वाला क्वेश्चन अभी भी याद होगा, जब मैंने अपने इंट्रोडक्शन में एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको दिए थे और मैंने बोला था कि आप कोशिश करो कि ये ऑटोमेशन, ये चीजें आपको कैसे दिखती हैं ऑटोमेटिक होते हुए। मैंने ये कहा था कि जब मेरा नया क्लास आएगा, नया फर्स्ट लेक्चर आएगा, इसके जो मेरा नेक्स्ट सेशन रहेगा उस सेशन में हम इसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल हमारा जो क्वेश्चन था, जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, वो यही था दोस्तों कि आपके पेट्रोल पंप में ऑटोमेशन कहाँ दिखा, आपके लिफ्ट में आपको ऑटोमेशन कहाँ दिखा, याद है ना? यही दो क्वेश्चन थे हमारे कि हमने बस पूछा था भाई ऑटोमेशन, तो हमने बोला कि ऑटोमेशन हर जगह है, आप जगह ढूंढो और आपको ऑटोमेशन मिल जाना है। तो जब इतने सारे चीज, चाहे वो हमारा घर हो, हमारी ऑफिस हो जाएगी, या फिर हमारा बाहर की दुनिया हो, चाहे वो मॉल हो या फिर इंडस्ट्री हो, पेट्रोल पंप हो, कुछ भी हो, उन सब में कहीं ना कहीं ऑटोमेशन लगा हुआ है। तो हमने कहा था कि हम हमेशा कोशिश करेंगे सीखते हुए आगे बढ़ने का, कदम बाय कदम आगे बढ़ाएंगे, एक बार में पूरा जंप नहीं लगा लेना, लॉन्ग जंप नहीं खेलना है हम लोगों को, बहुत प्यार से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ते चले जाना है। तो कोशिश रहेगा मेरे एंड से आपके लिए कि हम उन चीजों को टुकड़ों टुकड़ों में पेश करें ताकि छोटा छोटा स्टेप्स, और उनको पढ़े भी, समझे भी, और सबसे ज्यादा जरूरी है सीखे भी। उसको हम कोशिश करेंगे हर एक चीज को दिखलाने का कि वो ऑटोमेशन काम किया कैसे। जैसे कि हमारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, वो पेट्रोल पंप वाला हो या फिर वो आपका लिफ्ट वाला हो, दोनों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 फॉर यूनिट 1, दैट इज ऑटोमेशन। ठीक, तो ऑटोमेशन से सबसे पहले हमें दिमाग में क्या समझ में आता है, या ऑटोमेशन को हम तोड़ना चाहें, सबसे छोटी चीजों में हम बदलना चाहें, ऑटोमेशन को हम तोड़ तोड़ के सीखें कि क्या है मेरे लिए ऑटोमेशन, तो हम क्या कहेंगे बाबू? आप कोशिश करो कि हम अगर इनको सोचना चाहें, तोड़ना चाहें ऑटोमेशन को, तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे उसको हिंदी में और सरल कर सकते हैं अपने लिए ऑटोमेशन को। तो ऑटोमेशन जो वर्ड है, डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेशन मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, ये डेफिनेशन ही है, बस ये मेरा डेफिनेशन है, या फिर बोलिए कि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं समझता हूँ, तो उसको मैंने एक सरल लाइन में मैंने ऑटोमेशन को डिफाइन कर रखा है, और उसमें मैंने लिखा है द टेक्नोलॉजी विच प्रोसेस और help to complete any task with minimum human intervention is known as automation। ध्यान देना, बहुत दो चीज यहाँ पे बहुत ही मैंने बहुत ही बड़ी दो चीज बात लिखी है, एक लिखा है टेक्नोलॉजी, दूसरा लिखा है ह्यूमन इंटरवेंशन। तो अगर हम बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑटोमेशन जो है एक टेक्नोलॉजी है। क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपके काम को करने के लिए मदद करती है, प्रोसेस और हेल्प, काम को करने में मदद करती है, एनी टास्क विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब कम से कम आदमी का सहयोग या कम से कम आदमी का योगदान या इंसान का योगदान। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हमारा सारा काम होता हो, या फिर वो काम करने में हमें मदद करता हो, जिसमें हमारी इंसान या ह्यूमंस का कम से कम योगदान हो, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं ऑटोमेशन। क्या कहा मैंने? कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिस जो हमें अपने काम को करने में हर मदद करती है, या फिर हमारा काम करती है, जिसमें कम से कम इंसानों का योगदान हो, परिश्रम हो, उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? उस टेक्नोलॉजी का नाम है ऑटोमेशन। तो मुझे उम्मीद है कि ऑटोमेशन का डेफिनेशन आप नहीं भूलेंगे। ऑटोमेशन डेफिनेशन क्या होगा तो एक बार लास्ट टाइम, द टेक्नोलॉजी विद प्रोसेस और हेल्प्स टू कंप्लीट एनी टास्क विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन इज नोन एज ऑटोमेशन।
ये तो हमें समझ में आ गया कि ऑटोमेशन हुआ क्या। अब हम अगर बोले कि सर ऑटोमेशन दिया अंग्रेजी वाला बोल दिया सर, हिंदी में सर ऑटोमेशन को तोड़ना चाहें या उसको हम और छोटा करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, तो बाबू हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि ऑटोमेशन जो है हमारा, ऑटोमेशन जो है आपका, ऑटोमेशन दो शब्दों का योग है। ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन दो शब्दों का योग है, एक तो ऑटो और दूसरा मेशन। ऑटो से निकल के आता है ऑटोमेटिक, एक आता है ऑटो से ऑटोमैटिक, और मेशन का मतलब होता है मशीन। मेशन का मतलब होता है मशीन। तो जो मशीन ऑटोमेटिक चले और हमें अपना काम करके दे, उस टाइप की मशीन को हम क्या बोलेंगे? ऑटोमेशन। ध्यान रखिएगा क्या बोले हम लोग कि ऑटोमेशन दो शब्दों का योग है, पहला शब्द ऑटो, दूसरा शब्द मेशन। ऑटो से निकल के आया ऑटोमेटिक और मेशन से निकल के आया मशीन, मतलब ऑटोमेटिक मशीन को हम लोग बोल सकते हैं ऑटोमेशन। हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऑटोमेशन को हम लोग लिख सकते हैं ऑटोमेटिक मशीन। ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिक मशीन। अब आप फिर मशीन की बारी, ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक अगर हम डिफाइन करना चाहें, ऑटोमेटिक को अगर हम डिफाइन करते, ध्यान रखिएगा हम लोग स्टेप बाय स्टेप में बढ़ रहे हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, सीखते चलते चले जाना और आगे बढ़ते रहना है। तो हम लोगों ने ऑटोमेशन को पहले समझा क्या था, अब हमने कहा कि उनको दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक ऑटोमेटिक हो गया दूसरा मशीन हो गया। तो सर ऑटोमेटिक का डेफिनेशन क्या है? तो ऑटोमेटिक का डिफरेंस होता है कि टू या टू डू अ वर्क with minimum human intervention। ध्यान रखिएगा to do a work with minimum human intervention is automatic। जहां पे minimum human intervention हो, ध्यान रखिएगा हम लोग कहीं लिखे हैं इसको भी, जहां पर minimum human intervention हो उसको हम लोग बोलते हैं automatic। अब हम बात करते हैं मशीन, तो मशीन का तो बहुत पुराना बहुत ही एक लाजवाब किस्सा के साथ हम आपको सुनाएंगे। मशीन आप सबको याद होगा कि मशीन क्या होता है, थ्री इडियट्स सबको देखा है, थ्री इडियट्स फिल्म आमिर खान वाला सबको देखा है। थ्री इडियट्स में मशीन का डेफिनेशन क्या था? थ्री इडियट्स में मशीन का डेफिनेशन क्या था एक बार याद करके सोचिएगा। थ्री इडियट्स में मशीन का बहुत सिंपल डेफिनेशन बोला था, components that help us to complete a job, or component that help us to complete a job, एक ये हो गया। दूसरा आमिर खान वाला चेन वाला याद है ना, ऊपर नीचे सर, हाँ, कि जिससे ह्यूमन इफर्ट मिनिमम लगे, कि कंपोनेंट्स, इसका दूसरा डेफिनेशन ले सकते हैं, कंपोनेंट्स दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स। ध्यान रखिएगा अब हम इसको मिटा भी दें पहले वाले को, कि जो कंपोनेंट हमारे काम करने में मदद करता है उसको हम मशीन बोल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बढ़िया वाला एग्जाम बढ़िया वाला क्या है कि कंपोनेंट दैट रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट इज मशीन। जो भी इंसान के काम करने में इंसान की शक्तियों को कम काम कर कम लेकर और ज्यादा आउटपुट दे दे, उस टाइप के हम डिवाइसेस को क्या कहेंगे? मशीन। तो द कंपोनेंट्स दैट रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट इज मशीन, एंड द कंपोनेंट्स और द मशीन्स और द डिवाइसेस व्हिच कैन डू द वर्क विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन आर नोन एज ऑटोमेटिक। अब दोनों को जोड़ दो, कंपोनेंट्स दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट टू डू अ वर्क विद मिनिमम ह्यूमन एफर्ट, दोनों को जोड़ के देखो तो नया चीज निकल के आएगा, यही आएगा ना कि टेक्नोलॉजी विद प्रोसेस और हेल्प टू कंप्लीट ए टास्क विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। तो चाहे यहां से आप समझ लो या तो फिर आप यहां से समझ लो, बात बराबर आएगी। अब हम
आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ऑटोमेशन समझ में आया होगा, ऑटोमेशन को हम लोग कैसे तोड़े वो समझ में आया होगा कि हमारा ऑटोमेटिक क्या कहलाया, मशीन क्या कहलाया, फिर उनको जोड़ के वापस हम अपने ओरिजिनल डेफिनेशन को मिलाने की कोशिश की कि क्या ये डेफिनेशन और हमारा ओरिजिनल डेफिनेशन मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए तो ये हो गया हमारा ऑटोमेशन का डेफिनेशन। ठीक, भूलना नहीं है, हम क्वेश्चन दे के रखे हुए हैं आपको, है ना, वो याद रखना है। ये कंप्लीट करते हैं फिर उसी पे आएंगे हम लोग, उसको कंप्लीट करके हाँ, आज का लेक्चर कहानी खत्म। कल फिर से मिलेंगे और फिर से नया टॉपिक, मतलब नया चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे हम लोग और बढ़िया तरीके से। ये हो गया ऑटोमेशन। अभी तक आपको ऑटोमेशन समझ में आ गया कि ऑटोमेशन होता क्या है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थी हमारे। हमें नीड से पहले हमें रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि हमें क्यों जरूरत पड़ी ऑटोमेशन की। एक चीज थी नीड, ठीक, और दूसरा होता है उसका एडवांटेज। अगर उन दोनों को हम अगर समराइज करना चाहें तो हम उनको समराइज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में कि ऑटोमेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। किसी भी मशीन का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी इंसान का हर एक चीज काम करने के पीछे कुछ ना कुछ एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर वो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, कोई कहीं उनको घाटा हो सकता है। तो आपको हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स रख के काम करने पड़ते हैं। और वो फिक्स कैसे हो पाता है, तो वो होता है आपके रिक्वायरमेंट से कि क्यों जरूरत पड़ी आपको उस काम करने के लिए, और दूसरा होता है कि उस काम करने के बाद वो क्या फायदा मिलेगा। इन दोनों को समराइज करेंगे तो हमको मिलता है ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मशीन क्या कहता है, ऑटोमेशन क्या कहता है, सबसे पहले ध्यान रखें क्यों। अगर हम सोचें कि ऑटोमेशन से होता क्या, फायदा क्या है हमको या लाभ क्या हो रहा है उसको, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मशीन जो आदमी कभी नहीं कर सकता है। हम लोग कभी ना कभी थक जाएंगे और थकने के बाद सबसे पहले क्या होता है, हमारे वो थकावट हमारे काम में नजर आता है। यही चीज, यही लॉस जो हमारे और आपके थ्रू हो सकता है मशीन खत्म करता है। मशीन किसके बल पे खत्म करता है, तो वो ऑटोमेशन के बल पे खत्म करता है। अगर कोई भी मशीन ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा है या फिर अगर किसी भी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन लगा हुआ है तो वहां कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, आदमी का कोई सहयोग उसमें योगदान नहीं रहेगा, तो आदमी थकेगा नहीं। अगर आदमी थकेगा नहीं तो मशीन एक कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस देता रहेगा, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा हमारा ऑटोमेशन जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे या जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो होता है इंप्लीमेंटेशन पार्ट। इंप्लीमेंट कहाँ करें हम लोग, इंडस्ट्री के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, इंप्लीमेंट तो हर जगह करते हैं। हम घिरे हुए ऑटोमेशन से, कहाँ कहाँ बच के चलेगा ऑटोमेशन को, बच नहीं सकते आप ऑटोमेशन से। चाहे आप घर में देख लीजिए, बाहर देख लीजिए, गाड़ी देख लीजिए, कुछ भी देख लो, मॉल चल जाओ, इंडस्ट्री में तो है ये है, हर जगह आपको ऑटोमेशन ऑटोमेशन ही मिलना है। तो ऑटोमेशन से सबसे पहली ऑब्जेक्टिव क्या थी, फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम वो काम नहीं करके दे सकते, इसीलिए हमारा इंटरवेंशन, हमारा योगदान कम लगाया जा रहा है, उसकी जगह पे मशीन को ऑटोमेटिक काम करवाया जा रहा है, उसके लिए कंट्रोल लॉजिक डिजाइन हो रहा होगा, उसके लिए कंट्रोल सिस्टम डिजाइन हो रहा होगा, इन सब को मिला के ऑटोमेटिक मशीन आपको प्रेजेंट किया जाता है ताकि आपका काम चलता रहे, आप उसमें योगदान भी ना करें और आपका काम कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ मशीनरी। हमेशा मशीन कंटिन्यूअस ऑपरेशन मोड में चलते रहना चाहिए, और अगर ये कंटिन्यूअस मोड में चलेगा तो ऑब्वियस है कि आपका एक प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट मिलता रहेगा। आप अगर कोई काम में कर रहे हैं, हम और आप अगर कोई काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं 19 कहीं 20 हो सकता है, बिल्कुल कहीं कोई इसमें दो राय की बात नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ना हो सकता है, ना हम हो सकते हैं ना आप हो सकते हैं, चाहे कितने भी हम स्किल्ड क्यों ना हो, गड़बड़ी या थोड़ा मोड़ा 19 भी हमसे दिक्कत आएगा ही आएगा, हम कहीं ना कहीं अपनी कमियां उसमें दे सकते हैं, लेकिन ये मशीन नहीं करता है। इसलिए मशीन क्या करेगा, प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स, जो भी वो प्रोडक्ट, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे फाइनल प्रोडक्ट हो, या फिर कहीं बीच का प्रोडक्ट का पार्ट की बात करो, वो जो भी बनाएगा, जो भी करेगा, एक्यूरेट मिक्सचर देगा आपको, एक्यूरेट जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी में ही सारे कॉम्पोनेंट्स को मिक्स करके फिर से आपको फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। तो ये हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग 10-10 ग्राम नहीं तोड़ पाएंगे, और फिर सबको मिलाएंगे, और फिर 10 ग्राम में से फिर 5 ग्राम निकालेंगे, हो गया हम लोग काम कर लिए, 2-2 ग्राम हो गया, 1-1 ग्राम हो गया, 10 सेंटीग्राम हो गया, 10 मिलीग्राम हो गया, तो काम हो गया बाबू, फिर तो हम लोग जपते रहिए, अपना खिस्सा करते रहिए, हो ही नहीं सकता हम लोग, क्योंकि हम लोग करेंगे तो 0.21 मिलीग्राम हो गया, लेकिन जब मशीन करेगा ना तो 0.2 करेगा। ठीक, तो ये हो गया सेकेंड ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स। तीसरी बात, मैक्सिमाइज आउटपुट।
बिल्कुल हम लोग का योगदान नहीं है तो हम लोग थकेंगे नहीं, थकेंगे हम लोग नहीं तो मशीन अपना कंटिन्यूस काम करता रहेगा। कंटिन्यूस काम करने के दौरान वो मैक्सिमम आउटपुट देगा, और मैक्सिमम आउटपुट क्यों देगा, क्योंकि उसमें लॉसेस नहीं है, और है भी तो बहुत ही मिनिमम है, हम लोगों से तो बहुत कम मान सकते हैं कि उसमें भी लॉसेस है। मशीन है, आपको अवश्य है कि हर एक मशीन में अपने अपने लॉसेज होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है अपने मशीन्स में, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, लेकिन फिर भी हमारे अपेक्षा इसकी जो परफॉर्मेंस रहेगी बहुत ऊपर रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। इसलिए हम लोग थर्ड पॉइंट हमारा है मैक्सिमाइज आउटपुट, हमेशा सबसे ज़्यादा कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूनिफॉर्म प्रोडक्ट के साथ आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सके। ये हो गया आपका तीसरा। चौथा, यूनिफॉर्म क्वालिटी, 19-20 नहीं, सब 20 का 20 चलेगा, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं आएगा। अगर एक पैकेट निकालिएगा बिस्किट का, जितना वो क्रंची रहता है, दसवां पैकेट भी निकालिएगा वही बिस्किट, उसमें भी जो बिस्किट रहेगा वो भी उतना ही क्रंची मिलेगा। इसका मतलब कि उनकी जो प्रोसेसिंग है, उनकी जो क्रिया करने की प्रक्रिया है, वो यूनिफॉर्म है, सबके लिए है, और सबके लिए है तो आपको क्वालिटी जो मिलेगा प्रोडक्ट का, वो किसी भी प्रोडक्ट में क्वालिटी 19-20 नहीं मिलेगा। इसका एग्जांपल हम याद रखिएगा, इसका एग्जांपल हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म क्वालिटी वाला। ऑप्टिमाइजेशन, हमें चीज़ों को सीखने में करने में सीखना पड़ेगा, अगर नया टेक्नोलॉजी सीखना है, नया काम करना है, तो हमको उसको सीखना पड़ेगा और सीख कर फिर से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कब तक हम उसके हाईएस्ट एफिशिएंसी पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ऑटोमेशन में ऐसा नहीं होता है, आप वहाँ के लॉजिक को बदल दीजिए, आप वहाँ के कंट्रोल को बदल दीजिए, आप उसके सिस्टम में थोड़ा सा एडवांस चेंजेस कर दीजिए, और जो भी चेंज करिएगा इंस्टेंटली तुरंत वो उसी के हिसाब से काम करने लग जाएगा। डैट इज ऑप्टिमाइजेशन, और किसी भी सिस्टम में ऑप्टिमाइजेशन जरूरी होता है, चाहे वो हम और आप क्यों ना हो, हमें भी ऑप्टिमाइजेशन का जरूरत है। समय के हिसाब से बदलाव, परिवर्तन एक प्रकृति का एकदम नियम है, वो होना ही होना है। तो अगर हमारे में होना है, प्रकृति में होना है, तो मशीन में क्यों नहीं होना है, तो मशीन में भी होना चाहिए, और वो कहलाता है ऑप्टिमाइजेशन। हमेशा कुछ ना कुछ नया चेंजेस आ रहा है, तो वो हमारे सिस्टम में उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज हो जाना चाहिए। परिवर्तन चेंज हुआ है, मौसम बदल रहा है, तो मशीन का भी ऑप्टिमाइजेशन उसी हिसाब से होते रहना चाहिए। यह कहलाता है आपका पांचवा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑटोमेशन, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। ध्यान रखिएगा, ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही दमदार वर्ड है ऑप्टिमाइजेशन। छठा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल हम लोग रहेंगे नहीं तो हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, तो वो तो ह्यूमन सेफ्टी सिक्योरिटी है ही, लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें सामान मशीन चल रहा है, सेंसर्स लगे हुए हैं, तो अगर मशीन को भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो सेंसर पहले डिटेक्ट कर लेता है, सेंसर पहले ही बता देगा। क्यों, ये सब कहाँ होता है, ये सब कंट्रोल सिस्टम जब डिजाइन करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे इसको, हम लोग इन सब बातों को जो हम लोग बात कर रहे हैं, इन सब बातों को हम लोग वहाँ का उस समय इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे कि हाँ ये सेंसर लगा हुआ है, ये हीट सेंसर है, ये स्पीड सेंसर है, ये स्पीड चेक कर रहा है, कहीं आपका मशीन का आरपीएम बढ़ा तो घटा तो नहीं, फ्रीक्वेंसी क्या है, लाइन वोल्टेज क्या है, लाइन करंट क्या है, वो सब चीज हमारा एक प्रॉपर रेटेड पैरामीटर पे चलता रहे, उसकी हमेशा क्रॉस वेरिफिकेशन चलती रहती है सेंसर्स के द्वारा, तो हमें ऑब्वियस है कि हमारा, हमें भी सेफ है और हमारा मशीन भी सेफ है और हमारा प्रोडक्ट भी सेफ है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारे ऑटोमेशन का। इसका दूसरा एग्जाम्पल बात करते हैं, इंडक्शन फर्नेस, जहां पे लोहा पिघलता है, इंडक्शन फर्नेस उसको कहते हैं हम लोग इंडक्शन फर्नेस, जिसमें लोहा को गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, फिर इसको हमारे हिसाब से जो गैल्वेनाइज्ड, हम लोग जिसकी बात करते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील है कि नहीं है, तो ये सारा प्रोसेस में क्या आप वहां जाके कर सकते हैं, उस टेम्परेचर को आप सह सकते हैं, नहीं सह सकते हैं, तो उसके लिए भी क्या है, मशीन काम करता है। भले हम लोग पीछे ऑपरेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ऑपरेटर ही है, सिर्फ ऑन और ऑफ कर दिए, बाकी मशीन अपना काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से भी देखेंगे तो हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि नहीं हम सेफ हैं, उस हीट से सेफ हैं, काम भी हो रहा है, हम भी बचे हुए हैं, और सब कुछ हम लोग साथ में अपना आउटपुट प्रोवाइड किए जा रहे सिस्टम को। डैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डैट इज द सिक्स ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑटोमेशन। सेवेंथ ऑब्जेक्टिव इज हायर एफिशिएंसी, बिल्कुल जब कंटिन्यूस इन मोशन रहेगा, मैक्सिमाइज आउटपुट रहेगा, मिनिमम लॉसेज रहेगा, तो वैसे क्या है भाई, क्या एफिशिएंसी तो हाई होना ही होगा। एफिशिएंसी हाई हो गया तो सब कुछ बल्ले बल्ले, कहीं कोई टेंशन नहीं। हम लोग अपने आपस में देख लो, अगर आपकी एफिशिएंसी हाई हो जाती है पढ़ने की क्षमता, तो नंबर फट से ऊपर बढ़ जाता है, लेकिन आपकी एफिशिएंसी घटी तो लॉसेस बढ़ जाता है। हम लोग यही ना पढ़ते हैं, मशीन में पढ़ते आ रहे तक, एफिशिएंसी का लेना देना आउटपुट से बहुत है। अगर हाई एफिशिएंसी है और एक्यूरेसी है तो आउटपुट भी शानदार रहेगा, लेकिन एफिशिएंसी घटी तो
आप अपना तैयारी करना, बैकअप करना चालू कर दीजिए कि एफिशिएंसी को आप कैसे बढ़ाइएगा। और इसको हम लोग कंट्रोल सिस्टम में भी डील करेंगे, जो हमारा चैप्टर 2 है, यूनिट 2 है। और मिनिमम लॉसेस, तो वही बात हो गई कि हायर एफिशिएंसी, मिनिमम लॉसेस, कंटिन्यूएशन इन प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स, मैक्सिमाइज आउटपुट हमको ऑब्वियस मिल ही जाएगा। इन सब पैरामीटर्स को देखेंगे तो हमारा मैक्सिमाइज आउटपुट ऑब्वियस है, मिल जाएगा। तो ये कुछ 8 है, ये पूरे नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ 8 है जो एक इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आपके एग्जाम्पल के साथ जो हम लोगों ने उस दिन छोड़ा था। तो बाबू याद करो, हमने कहा था कि हमारे आसपास पूरा ऑटोमेशन है, और ये सब पढ़ने के बाद, आज का क्लास डील करने के बाद, इसमें हम लोग ऑटोमेशन की डेफिनेशन देखे, ऑटोमेशन बना कैसे वो देखें, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये देखें, अब हम जोड़ते हैं अपने चीजों को जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कही थी। पहली चीज, लिफ्ट। आपका लिफ्ट चला कैसे, उसके अंदर मोटर लगा हुआ है, एक्चुएटर्स हो गया, याद है एक्चुएटर्स दोस्त, ध्यान से एक्चुएटर्स याद है ना, जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, उसको हम लोग एक्चुएटर्स कहते थे। तो आपका वहां मोटर लगा हुआ है, तो मोटर को कैसे पता चला कि पांचवें तल्ला पे जाना है, तो आप 5 दबाए हैं, याद रखिएगा आप 5 दबाए हैं, हम ऑपरेट किए हैं उसको, इसलिए ना चला ऊपर। तो हम ऑपरेट किए विथ मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, कम से कम जितना काम कर सकते थे, ठीक, और बाकी तो अपने आप लेके चला गया, हमारा काम कर दिया, हमको पांचवें तल्ला पर पहुंचा दिया। कहीं आप बोले थे किसी को, मशीन को, मोटर को डिजाइन, आप मोटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए थे क्या? नहीं, वो एक कांस्टेंट प्रोग्रामिंग कर दिया गया है, एक कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड कर दिया गया है कि अगर ये वाला बटन दबेगा तो इसी फ्लोर तक जाना है, ठीक। दूसरा एग्जांपल, पेट्रोल पंप, 100 रुपया का पेट्रोल दीजिएगा सर भैया, तो वो मीटर वाला एक मीटर है पेट्रोल टंकी के ऊपर, उस पर दबाया 100 रुपया और 100 रुपया ही गिरा, 100 रुपया एक पैसा नहीं गिरा बाबू, याद रखना 100 रुपया एक पैसा नहीं गिरा, जितना दिए उतना ही गिरा, मतलब कि एक्यूरेसी, हम डालते आप डालते तो क्या डालते, या तो 99 रुपया 90 पैसा या 98 पैसा रुक जाते, 2 पैसा का नुकसान, या फिर 100 रुपया एक पैसा या 10 पैसा या 12 पैसा, तो 12 पैसा फायदा। तो कहीं ना कहीं या तो हमको नुकसान है या तो यूजर को फायदा है, हम लोग 100 रुपये एग्जैक्ट नाप नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हमारी उतनी एफिशिएंसी एक्यूरेसी नहीं है। और यही ने यहाँ पे काम कर दिया, आपको हायर एफिशिएंसी दे दिया, ऑप्टिमाइज दे दिया, क्या हम हर बार 100 रुपये नहीं देगा, 100 के जगह पे कभी 150 भी देगा, कभी लीटर में भी देगा, जब हम जैसे चाहें वैसा देगा, तो ऑप्टिमाइजेशन भी है उसमें, आउटपुट उतना ही है 100 रुपये का ही, 101 रुपये का आउटपुट नहीं है, 99 का आउटपुट है, तो मैक्सिमाइज आउटपुट जो भी उसको वो प्रोवाइड कर सकता था वो मैक्सिमाइज कर दिया। उसके बाद हमारा है कंटिन्यूस ऑपरेशन इन मशीन, कभी तो ऐसा तो नहीं है आपका पेट्रोल पंप की एक बार दे दिया, बोलता है कि नहीं अब 2 गाड़ी नहीं देंगे, 3rd गाड़ी को देंगे, है ना, तो हमेशा वो कंटिन्यूस प्रोसेस में लगा हुआ है, ठीक। अब वो काम कैसे किया, हम उसको थोड़ा सा पेट्रोल पंप को समझते हैं, पेट्रोल पंप आपका काम कैसे किया, जो नंबर डायल पैड है जहां पे वो अपना नंबर प्रेजेंट कर रहा है, तो बेसिकली अगर उसको हम लोग साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें, तो वो क्या कर रहा है, वो हमारे मतलब ह्यूमंस या जो पेट्रोल वाला आदमी आपको पेट्रोल दे रहा है, वो उसके और मशीन के बीच में मोटर, क्योंकि मोटर आपको पेट्रोल दे रहा है, वो मशीन आपको पेट्रोल नहीं दे रहा, वो नंबर पैड आपको पेट्रोल नहीं दे रहा, वो आपको नीचे से मोटर पेट्रोल दे रहा है, तो आपके और मशीन के बीच में क्या कर रहा है, वार्तालाप करवा रहा है, समझिएगा, वो आपके और मशीन के बीच में क्या करवा है, वार्तालाप करवा है, मतलब एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पॉइंट कह सकते हैं उसको, कि वो हम लोग वहां पे 100 रुपए डाले तो हमारे 100 रुपए को वो कुछ समझ रहा होगा, और वो 100 रुपए देकर मोटर बंद, 101 रुपए पे मोटर बंद नहीं होता है, 100 रुपए पे मोटर बंद और आपका पेट्रोल बंद आना बंद। तो हम लोग जो कह सकते हैं कि वो ह्यूमन मशीन इंटरफेस है, जहां ह्यूमन को मशीन से वार्तालाप करवा रहा है, तो वो जो नंबर पैड होता है उसको हम लोग बोलते हैं HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ध्यान रखिएगा ह्यूमन मशीन इंटरफेस। अब जाओगे तो अगली बार जाओगे तो समझ में आ जाएगा, अपने जो हम बोल रहे हैं ना, अगली बार पेट्रोल लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो जैसे आप 100 रुपए डाले तो प्रोग्रामिंग अंदर PLC लगा हुआ है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जो हम लोग बात किए थे, इसको हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इस सेक्शन को और बढ़िया से पढ़ेंगे। तो वो PLC जैसे आया सेंसर, 100 रुपए का फीड कर लिया, मोटर को सिग्नल भेजा, याद दीजिए सिग्नल भेजा, तो सिग्नल से क्या हुआ बाबू, कि वो मोटर अब चलना चालू हुआ,
मोटर और उसी के साथ एक सेंसर भी लगा हुआ है। सेंसर कहाँ लगा हुआ है? आपके जो पेट्रोल पंप वाला जो जैक दबाता है और पाइप के थ्रू जो फ्लो आता है, तो जहां वो पाइप लगा हुआ रहता है वहां पे एक सेंसर लगा रहता है। वो सेंसर कैसा होता है? चक्री देखे ना हम लोग, चक्री ऐसा होता है। ठीक, तो इसमें अगर हम काट दें तो कुछ ऐसा बन जाएगा, जो हम आपको बना के दिखाते हैं। अरे यार गलत बन रहा है बच्चा यार, कुछ इस टाइप से होता है। मेरे ड्राइंग में मत जाना, बहुत गंदा बनाते हैं। तो कुछ इस टाइप से हमारा एक चक्री रहता है। इस चक्री का नाम होता है रोटामीटर। हम लोग बात करेंगे सब चीज का, लेकिन क्योंकि हम पेट्रोल पंप वाला बोले तो समझाएंगे हम, तो हम उसको आपको पूरा कोशिश करें कि रियलाइज करवा दे कि ऑटोमेशन वहां पर काम कैसे करता है। तो ये होता है क्या? रोटामीटर। तो अब ध्यान दोगे तो 1 2 3 4 5 इसमें पांच गो कट मार्क है। तो अगर एक चक्कर काटेगा तो, और इसके आगे हम अगर एक आईआर सेंसर लगा दें, एक इसके आगे हम आईआर सेंसर लगा दें, तो वो क्या कट करेगा? वो एक साइकिल में 5 रेवोल्यूशन मानेगा। तो हमारा क्या इससे निकल के आ रहा है? इससे हमारा निकल के आ रहा है फ्रीक्वेंसी, स्पीड, टाइम। हम इसे सब निकाल सकते हैं कितने देर तक चलना है। तो ये हमारा जो रोटामीटर है आपके फ्लो सेंसर में काम करता है। क्या काम करता है? फ्लो सेंसर में। अब पीछे से पेट्रोल आएगा तो चक्रिया घूमेगा ना, और चक्री घूमेगा ताकि आया सेंसर लगा हुआ है। तो जय बार घूमेगा चक्री, तो जहां जहां कट मार्क्स मिलेगा उतना उसको स्पीड बता देगा कितनी स्पीड से चल रहा है, और उस स्पीड से आपका वॉल्यूम नापा हुआ है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है आपका। पाइप तो मोटा छोटा होता नहीं, तो कॉन्स्टेंट होता है, तो उसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, स्पीड मिल गया, तो आपको रुपया का दाम का मिल गया, वैल्यू कितना लीटर देना है, ये काम होता है। तो क्या हुआ? मोटर चलने लगा, पाइप से आया, रोटामीटर के थ्रू पेट्रोल जाने लगा। तो अब ये जो सेंसर है, यही सेंसर है जो काउंट कर रहा है कि कितना रुपया, कितना लीटर, कितना वॉल्यूम आपको पेट्रोल मिलना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी है रोटामीटर के पास। अब इन सबको जोड़ दो, वो मशीन में बंद कर दो, अब पेट्रोल डालो चाहे पानी डालो, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया बात? तो ये पूरा चीज क्या हुआ? ऑटोमेशन। आपने कुछ नहीं किया, मशीन आपका काम करके दे दी, आपको मैक्सिमाइज आउटपुट दे दी, मिनिमम लॉसेस दे दिया, किसी को नुकसान नहीं, किसी को फायदा नहीं, जितना जिसका हक है उसको उतना मिल गया और आपका काम हो गया। आपका एफर्ट्स नहीं लगा, आपको जाके नीचे से कुआं में उतारना नहीं पड़ा, फिर आपको नाप के किसे देना नहीं पड़ा पेट्रोल, मशीन ने सब कर दिया। तो क्या कहा जा सकता है हम लोगों का? टेक्नोलॉजी विद हेल्प और प्रोसेस आवर टास्क विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन इज नोन एज ऑटोमेशन। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग ऑटोमेशन के बारे में बेसिक सीखे, डेफिनेशन सीखे, ऑब्जेक्टिव सीखे और हमारा पुराना क्वेश्चन भी सीखे, उन सबको हम कोरिलेट करके आज यही समरी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, जितना भी हमसे मदद हो सकता है हम आपके लिए तैयार हैं, और कोशिश है कि जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसको लिखते जाएं। जो भी आपको ये चाहिए आप ये भी लिख लो, लेकिन डाउट्स को जरूर लिखो, ताकि जब भी हमारी मुलाकात हो, चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो, ऑफलाइन माध्यम से, हमारे फोन के माध्यम से हो, वो डाउट को आप क्लियर कर सके, तभी जाके हम लोग अच्छे से पढ़ के और समझ सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।